जो इस देश में से प्रजातंत्र को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, जो संविधान को कुचलना चाहते हैं, जो प्रजातांत्रिक परंपराओं को बुलडोजर के नीचे आए दिन दबाते हैं, इस देश के हर गरीब की जीत है, इस देश के मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति की जीत है, इस देश के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले हर व्यक्ति की जीत है। संगठन के लिहाज से इस जंग की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से हुई, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, जिसने सही मायनों में कर्नाटक में 21 दिन राहुल गांधी जी ने 600 किलोमीटर यात्रा कर संगठन को एक नई ताकत दी। उसके बाद सिद्धारमैया जी, डीके शिवकुमार जी और कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर प्रजा ध्वनि यात्रा से प्रदेश के कोने कोने में एक अलख जगाई। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने एक महीने तक न दिन देखा न रात कड़ी मेहनत की और वो 42 से अधिक सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उससे चुनाव को ताकत मिली। श्री राहुल गांधी जी के धुआंधार चुनाव प्रचार उसने एक बार फिर नई ऊर्जा चुनाव को दी और प्रियंका गांधी जी का लगाव अपनापन और जबरदस्त प्रचार उसने भी चुनाव को एक नई ऊर्जा का संचार किया। पूरे देश से कांग्रेस के नेताओं ने, ऑब्जर्वर्स ने, इंचार्जेस ने, मुख्यमंत्रीगण ने, एक एक कांग्रेस के काडर ने इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़कर ये दिखाया कि कांग्रेस संगठित होकर ये लड़ाई लड़ सकती है। सिद्धारमैया जी ने प्रदेश के कोने कोने में जाकर चुनाव प्रचार किया। डीके शिवकुमार जी, जिनका चुनावी संगठन में उनका माहिरपन, उनकी काबिलियत के लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने जहां उन्हें कमी लगी वो सारा गैप भर के एक नई ताकत का संचार चुनाव को दिया। तो ये जीत कांग्रेस के नेतृत्व की सामूहिक जीत है और उसके साथ साथ कर्नाटक के लोगों की जीत है। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, 13 तारीख की रात को नतीजे आए, 14 तारीख और 15 तारीख देर सुबह तक हमारे तीनों ऑब्जर्वर्स ने मंत्रणा की, 15 की रात को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी, दो दिन चर्चा का दौर चला। मुझे मालूम है बहुत सारे पत्रकार मित्र विचलित रहे, अनेकों सवाल पूछते रहे, उन्होंने ये भी कहा कि आप और जल्दी फैसला क्यों नहीं कर रहे। आप में से अनेक लोगों ने थोड़ा गुस्सा भी किया हमसे, वेणुगोपाल जी से, मुझसे, क्योंकि आपका अधिकार है, मोदी जी से तो कोई गुस्सा कर नहीं सकता, हम पर तो आपका अधिकार है, हम आपके परिवार का हिस्सा है, हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करते हैं, यही कांग्रेस है। और दो दिन की मंत्रणा और कंसेंसस के बाद, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा साफ तौर से कि वो सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से, कांग्रेस के सारे नेतृत्व से चर्चा करेंगे, पुराने नए सब लोगों से चर्चा करेंगे, प्रदेश के लोगों से चर्चा करेंगे, दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। मैं ये फिर दोहराऊंगा जैसा मेरे आदरणीय महासचिव संगठन ने कहा, हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है, इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिवकुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पांचों गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर
हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे, ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी, आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बैंगलोर में, 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। बाकी के सवाल जो हैं उनका जवाब हम बाद में देंगे।